असलकम इस सेशन में हम आइटम एनालिसिस के बारे में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आइटम एनालिसिस जैसा कि आप जानते हैं वो प्रोसेस और वो प्रोसीजर है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि टेस्ट में जो आइटम्स हमने शामिल किए थे क्या वो इस काबिल हैं कि उनको टेस्ट में रखा जाए या नहीं। कि नहीं दूसरी बात ये ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि थोड़े से कमज़ोर या वीक आइटम्स हैं और जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं रिफाइन कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं आइटम एनालिसिस में ओवरऑल टेस्ट की एनालिसिस से ज़्यादा हम इंडिविजुअल आइटम्स के एनालिसिस पर गौर करते हैं ऑटोमेटिकली जब हम हर आइटम का एनालिसिस करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जांच करते हैं तो खुद ब खुद हमें टेस्ट की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ भी मालूम हो जाती हैं आ, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि हर आइटम क्या वो मकसद पूरा कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया या नहीं क्या वो उस टाइम के मुताबिक है जो उसके लिए हमने एलोकेट किया क्या वो उस चीज़ को मेजर कर रहा है जो उसको मेजर करनी चाहिए और क्या वो एक आसान आइटम है और क्या एक मुश्किल आइटम और इसके अलावा वो ये भी कि क्या वो आइटम इस बात के लिए सेंसिटिव है और इस बात में तमीज़ कर रहा है कि हाई स्कोर उसको दुरुस्त जानते हों उसका दुरुस्त जवाब दे सकते हो और लो स्कोरर्स शायद उसका दुरुस्त जवाब ना दे पाए अगर ऐसा है तो आ, हम ये देखते हैं कि उसका डिफिकल्टी लेवल भी इसमें मैटर करता है जो लोग कम जानने वाले हैं कम इल्म रखते हैं या उनका स्किल उतना अच्छा नहीं है जितना कि हाई स्कोरर्स का है उनको वो आइटम मुश्किल महसूस होगा और जो हाई स्कोरर्स हैं उनके लिए वो आइटम आसान होगा और अगर ऐसा है कि हाई स्कोरर्स तो उसको नहीं कर पा रहे और लो स्कोर उसको सक्सेसफुली कर पाते हैं तो उसका मतलब है कि आइटम में कोई ख़राबी है या कोई गलती है कोई फ्लॉ रह गया है सो इन अदर वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट आइटम डिफिकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन अ गुड आइटम शुड भी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द पीपल हु नो एंड द पीपल हु कैंडिडेट्स वो आर अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब एंड दोज हुर नॉट अप्रोप्रिएट और सुटेबल फॉर द जॉब डिफ़िकल्टी लेवल से यह मुराद है कि कोई आइटम जो है वो कितना मुश्किल है यानी उसको जवाब देने वालों की कितनी तादाद जो है वो सही तरह से हल कर पा रही है अगर कोई ऐसे आइटम्स हैं जिनको कोई भी दुरुस्त तरीके से हल कर नहीं पाता तो इसका मतलब है उस आइटम को टेस्ट में नहीं होना चाहिए और इसी तरह से अगर कोई आइटम बहुत आसान है टू ईजी यानि ऐसा आइटम जिसको हर कोई दरुस्त जवाब दे सकता है तो वो आइटम भी टेस्ट में नहीं होना चाहिए टेस्ट बनाते वक्त हम आइटम्स को डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से ही तरतीब देते हैं लेकिन यह तरतीब एक टेंटेटिव तरतीब है ट्राई आउट के बाद हमें यह मालूम होता है कि आया हमारी बनाई गई तरतीब ही दुरुस्त तरतीब थी या आइटम्स की तरतीब में डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है और बहुत सी सिचुएशन में हम जानते हैं कि हमें अपनी तरतीब चेंज करनी पड़ती है क्योंकि कुछ आइटम्स जिनको टेस्ट uh, डेवलपर समझता है कि वो आसान है किसी ना किसी वजह से वो एग्ज़मिनर्स के लिए मुश्किल हो सकते हैं और जिनके बारे में कुछ ऐसे हो सकते हैं आपने समझा था कि वो मुश्किल आइटम्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए आसान थे जिनको आपने आसान समझा वो उनके लिए मुश्किल थे क्यों ऐसा है इसकी बहुत सी रीजन हो सकती हैं बहरहाल ये मुमकिन है कि आपने आइटम्स को ईजी टू डिफिकल्ट तरतीब दिया था लेकिन ट्राई आउट और आइटम अनालिस के बाद आपको मालूम हो इस तरतीब में तब्दीली की ज़रूरत है डिफ़िकल्टी uh, लेवल जो है वो uh, हम uh, देखते हैं कि वो पी के साथ लिखा जाता है और हमें उसका मतलब ये होता है कि टोटल एग्ज़मिनर्स या टेस्ट टेकर्स की कितनी परसेंटेज या कितने प्रपोर्शन ने उस आइटम का दुरुस्त जवाब दिया अक्सर हम उसको प्रपोर्शन uh, की सूरत में लिखते हैं लेकिन हम उसको पर्सेंटेज की सूरत में भी लिख सकते हैं दूसरी चीज़ जिसके बारे में आइटम अनालिसिस में हम जांच करते हैं वो है आइटम डिस्क्रिमिनेशन एक अच्छे आइटम को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए हाई स्कोरर्स में और लो स्कोरर्स में और इसी तरह से एक अच्छे टेस्ट को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए हाई स्कोरर्स में और लो स्कोरर्स में और यहाँ पे ये यह बात याद रखनी चाहिए कि जब हम ये बात कह रहे हैं तो हम उन टेस्ट के हवाले से बात करें जिसमें स्कोर मैटर करता है मसला अचीवमेंट टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट में मैटर करता है कि हाई स्कोरर्स कौन हैं और लो स्कोरर्स कौन हैं क्योंकि हम लोगों में डिफ्रेंशियट uh, करना चाहते हैं हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं हम ये तमीज़ करना चाहते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा जानने वाले हैं और कौन से लोग कम जानने वाले लेकिन अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें और uh, किसी हद तक एप्टीट्यूड टेस्ट की भी बात करें तो वहाँ पर स्कोर इतना उस तरह से मैटर नहीं करता जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट में अब पर्सनैलिटी टेस्ट में तो डेफिनेटली इस चीज़ का सवाल नहीं उठता कि स्कोर जो है वो लोगों में तमीज़ कर पाता है कि नहीं यहाँ पे स्कोर से मुराद या किसी शख्स के आम, की वैल्यू से मुरादी होगी कि उनमें कोई ट्रेट या कोई कैरेक्टरिस्टिक कितनी पाई जाती है पाई जाती है या नहीं पाई जाती और अगर मौजूद है तो किस हद हाँ तक मौजूद है आइटम डिस्क्रमिनेशन के लिए आप जानते हैं कि हम हाई स्कोरर्स का एक ग्रुप लेते हैं और हम लोअर स्कोरस का एक ग्रुप लेते हैं और उनके आपस में जो रिस्पॉन्स हैं उनकी डिस्क्रिपेंसी या उनका फ़र्क जो है उसका जायज़ा लेते हैं किसी भी आइटम को हाई स्कोरर्स में से कितने लोगों ने दोस्त जवाब दिए और लो स्कोरर्स ने कितने जवाब दिए इन दोनों का मुवजना करने के बाद हमें डी की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है वो हासिल होता है यहाँ पे एक चीज़ जो कि आपके जहन में एक सवाल उठना चाहिए और जो कि बड़ा पर्टनन्ट सवाल है वो ये है कि हम हाई स्कोरर्स की कितनी तादाद लेंगे और लो स्कोरर्स की कितनी तादाद लेंगे यूँ इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है आप अपने ग्रुप में से जितने एग्जाम्पल को आपने टेस्ट दिया था उसकी एक सर्टन परसेंटेज या सर्टन प्रपोर्शन जो है उसको मुतयन कर सकते हैं कि हम इतने परसेंट लोगों को हाई स्कोरस में से लेंगे और इतने परसेंट लो स्कोर दोनों की एक ही परसेंटेज आप लेंगे और उनके स्कोर को आपस में कंपेयर करेंगे बहुत से जो है टेस्ट उनमें आपको मुख्त प्रशंस मिलेंगे जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है एकजर इज टू डि एग्जामीज इकॉर्डिंग टू दियर स्कोर ऑन द होल एंड अपर ग्रुपिस्टिंग ऑफ दीज Making the highest test scores, a lower group of the 27 percent making the lowest test scores, and the remaining 46 percent in the middle group. when the number of examinees is small, upper and lower fifty percent groups on total test scores may be used. yani aap, uh, roughly speaking a reasonably sized sample ta ऊपर के हाई स्कोर करने वाले 27% परसेंट लोग लो स्कोर वालों में से 27% परसेंट लोग यानी टोटल जो आपका सैम्पल था उसका अपर 27% परसेंट और लोअर 27% सेवन परसेंट दरमियान में जो 46% परसेंट रहते हैं उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे अपर और लोअर 27% परसेंट जो आ, लोग थे उनके दुरुस्त जवाब देने की जो फ्रीक्वेंसीज थी उनको हम ले लेंगे उनका आपस में मुजन करेंगे उसके फ़र्क को या उसकी डिस्क्रिपेंसी को हम एन से डिवाइड करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी की जो हमें डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बताएगी और अगर इसी रूल को हम फॉलो करें और हम ये देखें कि हमारा ग्रुप इतने बड़े साइज का नहीं था कि उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करें और दरमियान के फोटी को हम इसमें शामिल ना करें हमारा ग्रुप इतना है कि हम चाहेंगे कि हर किसी को इसमें शामिल किया जाए तो छोटे ग्रुप की सूरत में हम उस ग्रुप को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट वो आर अपर स्कोर एंड द अदर फिफ्टी परसेंट विल ऑटोमेटिकली बी द लोअर स्कोर स्कोर यानि अगर स्कोरस के हिसाब से आपने ऑर्डर कर लिया हो तमाम तो रिस्पोंडेंट्स को तो टॉप के आ, जो पचास फीसद लोग हैं यानी अगर आपका सैम्पल पचास का आता तो पच्चीस लोग हैं वो हायर स्कोरस कंसिडर होंगे और जो दूसरे पच्चीस लोग हैं वो नीचे के स्कोर लेने वाले वो लोअर स्कोर समझे जाएंगे और इनके स्कोर्स को हम आपस में मुवजना करके टेस्ट के, के आइटम जो है उनका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की कैलकुलेशन में भी हम उसी तरह से इंडिविजुअल आइटम ऑप्शंस या डिस्ट्रैक्टर्स या अल्टरनेटिव्स को शामिल करते हैं जैसे कि हम आइटम डिफिकल्टी के लिए यानी ना सिर्फ ये कि हम हर आइटम का डिस्क्रमिनेशन इंडक्स जो है उसका तयन करते हैं उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं individual response options ko logon ne kis se jawab diye now we know that the distractors that we use and the alternatives and response options that we use all of them should seem to be plausible answers all of them should appear to be the correct answers so that the examinee or the test taker has to think and choose the best option if the examinee does not know the right answer he or she will find it difficult to pinpoint the right answer and probably will use guessing. but if the examinee knows the content, if the examinee has the skill or the ability which is being tested then he or she will not have any problem in identifying the keyed option or the right answer. Ek test item mein कि जितनी रिस्पॉन्स ऑप्शंस एम सी क्यू की बात कर रहे हैं जितनी रिस्पॉन्स ऑप्शन इस्तेमाल की गई हैं हर एक को ये लगना चाहिए कि वही दुरुस्त जवाब है क्योंकि अगर हम इस तरह के जवाब बनाएंगे इस तरह की ऑप्शंस देंगे मल्टीपल चॉइस आइटम्स में कि उनको देख के ही हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये जवाब दुरुस्त नहीं हो सकता या ऑब्वियसली यही दुरुस्त जवाब है तो फिर वो एक वीक आइटम है मल्टीपल चॉइस आइटम्स बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा ऑप्शंस दी जाए तमाम की तमाम ऑप्शंस को देख के लगे कि यही दुरुस्त जवाब है और सिर्फ वही शख्स दुरुस्त जवाब दे सके जिसको के दुरुस्त जवाब आता है हम जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस आइटम्स या कोई और ट्रू फॉल्स आइटम्स उनमें गेसिंग जो है उससे भी दुरुस्त जवाब दिया जा सकता है आपको सवाल का दुरुस्त जवाब ना मालूम हो फिर भी आप सवाल का दुरुस्त जवाब दे सकते हैं तो रिस्पांस ऑप्शंस बनाने का और डिस्ट्रैक्टर्स बनाने का मकसद यही है कि हर आइटम ऑप्शन जो है रिस्पांस ऑप्शन जो है उसको देख के लेके शायद यही दुरुस्त जवाब था और जितनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही गेसिंग का जो है इम्पेक्ट वो कम होता जाएगा यानी अगर एक एमसीक्यू के अंदर तीन रिस्पॉन्स ऑप्शन दी गई हैं और दूसरी जानब एक में पाँच ऑप्शन दी गई हैं तो गैसिंग के जरिए दुरुस्त जवाब देने का इम्कान या उसकी लाइवलीहुड पांच रिस्पॉन्स ऑप्शंस वाले आइटम में कम होंगे जिसका मतलब ये हुआ कि दो ऑप्शंस वाले आइटम से बेहतर है तीन ऑप्शंस वाला आइटम तीन वाले से बेहतर है पांच ऑप्शंस वाला आइटम मगर दूसरी जानब हम ये भी जानते हैं कि पांच अच्छी ऑप्शंस बनाना कोई आसान काम नहीं है हर आइटम में एक स्टेम होता है और उसके बाद कुछ ऑप्शन जवाब के लिए दी जाती हैं उन ऑप्शन में से एक कीड ऑप्शन है यानी कि दुरुस्त जवाब और बाकी डिस्ट्रैक्टर्स डिस्ट्रैक्टर्स जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है डिस्ट्रैक्टर का मकसद ये है कि देखने वाले को लगे कि यही दुरुस्त जवाब है और उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता हो और जब तक वो सही जवाब ना जानता हो वो दुरुस्त जवाब को मुंतखब नहीं कर पाएगा लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम जानते हैं कि अगर हमने दस आइटम या बीस आइटम या पचास आइटम्स का टेस्ट बनाना है तो बहुत मुश्किल है कि हर आइटम के लिए हम पांच इतनी अच्छे ऑप्शन बनाएं कि हर कोई दुरुस्त जवाब लगे तो आमतौर तो पर हम देखते हैं कि तीन या चार ऑप्शंस वाले मल्टीपल चॉइस आइटम्स इस्तेमाल किए जाते हैं अब एक अच्छा आइटम और उसके अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स वही हैं कि हर डिस्ट्रैक्टर को कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो सही अच्छा जवाब के तौर पर मंतख करें अगर आपने अपने टेस्ट में आइटम्स के अंदर डिस्ट्रैक्टर ऐसे बनाए कि उनमें से कुछ डिस्ट्रैक्टर को किसी ने भी दरुस् जवाब के तौर पर मुंतखब नहीं किया आपने कहा कि सही जवाब को इंसर्कल कीजिए और आइटम नंबर वन में किसी ए ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है जिसको किसी ने भी इंसर्कल नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो एक वीक डिस्ट्रैक्टर है इसी तरह से किसी और आइटम में डी ऑप्शन ऐसी ऑप्शन है जिसको कोई भी मंतखब नहीं करता किसी कोई भी उसको मार्क नहीं करता एज अ राइट आंसर तो इसका मतलब है कि वो एक वीक डिस्ट्रैक्टर था सो जो आइटम्स हैं ना सिर्फ ये कि आइटम्स को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए आ, हाई स्कोरर्स में और लो स्कोर में उसके साथ साथ जो आइटम्स के डिस्ट्रैक्टर्स हैं और जो अल्टरनेटि हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए हाई स्कोरर्स में और लो स्कोरर्स में अगर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो अच्छे आइटम्स नहीं हैं यानी हम जैसे जानते हैं कि हर स्टेम के साथ मिसाल के तौर पर चार ऑप्शनस जुड़ी हुई है उन चार में से एक राइट right ऑप्शन है या कीड ऑप्शन है या दुरुस्त जवाब है और तीन डिस्ट्रैक्टर्स हैं आइडियली स्पीकिंग होना ये चाहिए कि जो हाई स्कोरर्स हैं वो दुरुस्त ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें और लो स्कोरर्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स को सिलेक्ट करें क्योंकि हम जानते हैं कि लो स्कोरर्स इसीलिए लो स्कोर हैं क्योंकि वो दुरुस्त जवाब पर निशान नहीं लगा रहे अब अगर वो दुरुस्त जवाब को निशान नहीं लगा रहे इसका मतलब है कि चार में से एक ऑप्शन अलग हो गए बाकी के तीन ऑप्शन जो कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं आइडियली स्पीकिंग ये होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट्स जो हैं हर एक को मुंतखब कर रहे हो यानी अगर तीस रिस्पोंडेंट्स हैं तो होना तो ये चाहिए कि अगर ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब थी तो बी सी डी हर एक को कुछ ना कुछ लो स्कोर जो है अपने दुरुस्त जवाब के तौर तो पर मुंतखब करें लेकिन अगर उनमें से कोई एक ऑप्शन है जिसमें किसी ने भी आ, निशान नहीं लगाया और उसको नहीं समझा कि वो दुरुस्त जवाब है तो इसका मतलब है कुछ डिस्ट्रैक्टर को डिस्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए था चुनान आइटम्स के ऑप्शंस या आल्टरनेटिवस के लिए भी हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ऑप्शन हैं जिनको लोग मंतख कर रहे हैं वो कौन सी ऑप्शन हैं जिनको हाई स्कोरर्स मुंतखब कर रहे हैं और कौन सी हैं जिनको लोअर स्कोरर्स मंतखब कर रहे हैं और न सिर्फ ये बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हर ऑप्शन को कितने लोगों ने कितने फ़ीसद लोगों ने मंतख किया अगर ऐसी ऑप्शन हैं जिनको कोई भी चुन नहीं रहा तो डेफिनेटली वो फ्लॉड हैं या वीक हैं या गैर ज़रूरी ऑप्शनस हैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी जिस जिसका जिक्र आपको अक्सर किताबों में मिलेगा वो है रिस्पॉन्स बैलेंस का कॉन्सेप्ट यानी हर आइटम के जो ऑल्टरनेटि हैं या ऑप्शन उसमें दी गई हैं हर एक को कितने लोग जो है अपने सही जवाब के तौर पर मंतख करते हैं टू डिटर्मिन दैलेंस ऑफ ईच ऑप्शन फॉर एन आइटम परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स टू ईच कीड रिस्पॉन्स एज वेल एज ईच डिट्रेक्टर आर कैल्कुलेट रिस्पॉन्स वैलेंस से मुराद ये कि हम तमाम रिस्पॉन्स ऑप्शन के लिए उन एग्जामिनर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करें जिन्होंने उसको मुंतखब किया ऑबियसली कुछ लोगों ने दुरुस्त या कीर ऑप्शन को मंतख किया होगा कुछ ने बाकी की ऑप्शंस को आइडियली स्पीकिंग होना ये चाहिए कि जितने रिस्पोंडेंट्स हैं अगर हम कीर ऑप्शन को छोड़ दें तो हाई स्कोरर्स को तो चाहिए कि वो कीड ऑप्शन को मंतख करें इनसर्कल करें और बाकी के जो रेस्पोंडेंट्स हैं जो कि लोअर स्कोरर्स हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स को इक्वली मंतख करें मिसाल के तौर पे अगर तीन ऑप्शंस हैं जो कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं और आपके पास 30 रिस्पॉन्डेंट हैं तो एक आइडियल सिचुएशन होगी कि 10 लोग बी को सिलेक्ट करें 10 लोग सी को और 10 लोग डी को मगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है ये तो एक बिल्कुल आइडियल सिनारी है कि درست ऑप्शन को सिर्फ हाई स्कोर منتخب कर रहे हो और जो ऑप्शन जो हैं डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको इक्वल नंबर में लो स्कोरस चुने आ, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है नंबर तब्दील हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन बुनियादी तौर पे हम इस ट्रेंड के ख्वाहिशमंद होते हैं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको लो स्कोरर्स की काफ़ी तादाद मंतखब कर रही हो अगर वो ऐसा नहीं करे तो इसका मतलब है कि ट्राई आउट के बाद हमें कुछ ऑप्शनस को दोबारा से शायद लिखना पड़े या तब्दील करना पड़े या उनको बेहतर ऑप्शंस के साथ रिप्लेस करना पड़े मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एक अच्छा आइटम क्या होगा एक अच्छा आइटम अगर वो एक मल्टीपल चॉइस आइटम है और उसमें हम ये मिसाल देख रहे हैं कि अगर उसमें ऑप्शन हैं ए बी, सी और डी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 18 हाई स्कोरर्स मार्क ऑप्शन ए एंड सिक्स लो स्कोर मार्क ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज मार्क्स एंड सिक्स लो स्कोर ऑप्शन सी थ्री हाई स्कोर एंड सेवन लो स्कोर ऑप्शन डी थ्री हाई स्कोरर्स एंड सिक्स लो स्कोर ये एक काफी आइडियल किस्म का आइटम है जिसमें हम ये देखते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन को हाई स्कोरर्स की एक काफ़ी सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ने منتخب किया और बी सी और डी इतनी भी आइडियल सिचुएशन नहीं है कि हाई स्कोरर्स में से किसी ने भी गलत ऑप्शन ना सिलेक्ट की हो थोड़े थोड़े लोगों ने बी सी और डी ऑप्शन को जो कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं उन पर भी निशान लगाया लेकिन लो स्कोर में हम देखते हैं कि बड़ी تعداد में डिस्ट्रैक्टर्स पर निशान लगाया गया और बहुत कम लोगों ने दुरुस्त ऑप्शन को منتخب किया तो अच्छे आइटम के निशानी ये हैं कि उसकी जो कीड ऑप्शन है एक तो ये कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रही हो हाई स्कोरर्स में और लोअर स्कोरर्स में और उसके साथ साथ उसके डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी हाई और लोअर स्कोरर्स में डिफ्रेंश uh, कर रहे हो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हाई स्कोरर्स ने बी सी और डी ऑप्शन जो कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं उन पर क्यों निशान लगाया क्योंकि वो तो हाई स्कोरर्स हैं यहाँ पर हमें यह बात याद रखना चाहिए हायर स्कोरर्स में सब लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने तमाम का तमाम टेस्ट ठीक किया हो हायर स्कोरस में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ सवालों के जवाब गलत दिए होंगे शायद कुछ ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 100 परसेंट आ गए कुछ ऐसे होंगे जिनका स्कोर 90 परसेंट था या 80 परसेंट या 60 परसेंट जिसका मतलब है कि सिक्सटी या सेवेंटी या 80 लेने वालों ने कुछ फ़ीसद सवालों को गलत जवाब दिए तो हो सकता है जो आइटम हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसी किस्म का एक आइटम हो जिसमें हाई स्कोरर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनमें से भी कुछ ने गलत जवाब दिए थे एक और आइटम देखते हैं अ पुअर डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन ए विच वाज द राइट ऑप्शन 13 हाई स्कोरर्स एंड 6 लो स्कोरस ऑप्शन बी टू हाई स्कोरर्स एंड सिक्स लो स्कोर ऑप्शन सी टेन हाई स्कोर एंड सेवन लो स्कोर ऑप्शन डी टू हाई स्कोर एंड सिक्स लो स्कोर आप देखिए ऑप्शन सी जो है उसमें हाई स्कोर की खासी तादाद ने निशान लगाया उनमें और दुरुस्त ऑप्शन पर निशान लगाने वालों में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है तेरह लोगों ने दुरुस्त जवाब मंतख किया और दस लोगों ने गलत जवाब को मंतख किया जिसका मतलब है कि ऑप्शन तीसरी ऑप्शन जो है ऑप्शन सी उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है यानी लो स्कोरर्स तो उसको इतनी तादाद मंतखब नहीं कर रहे लेकिन हाई स्कोर जो है उन्होंने उसके ऊपर निशान लगाया तो इस तरह का आइटम जो है ये डिस्क्रमिनेट एक्चुअली नहीं कर रहा हाई स्कोरर्स में और लो स्कोरर्स में इसको थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है आइडियली स्पीकिंग हम जैसे पहले कह चुके हैं होना यही चाहिए कि डिस्टेक्टर्स के ऊपर लो स्कोरर्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो और हाई स्कोरर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो अ वेरी वीक इन बैड आइटम कुछ आइटम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इतने कमज़ोर हैं और इतने बुरे हैं कि उन्हें हम बैड आइटम्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे और बेहतर ही होगा कि उनको इम्प्रूव या रीफ्रेज करने के बजाय हम डिस्काउट कर दें मसल हम देखते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर फोर हाई स्कोरर्स एंड नाइन लो स्कोर ऑप्शन बी फाइव हाई स्कोरर्स एंड थ्री लो स्कोरर्स ऑप्शन सी एट हाई स्कोरर्स एंड सिक्स लो स्कोरस ऑप्शन डी एट हाई स्कोरर्स एंड सेवन लो स्कोरर्स यानी मा सिवाय राइट ऑप्शन के बाकी तमाम तर ऑप्शन पर जो के डिस्ट्रैक्टर्स थे हाई स्कोरर्स ज़्यादा तादाद में है और लो स्कोरर्स कम जिसका मतलब है कि ये उसकी ऑपोजिट सिचुएशन है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यही सिनारियो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोअ स्कोरर्स में होगा लोअ स्कोर जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद डिस्ट्रैक्टर्स पर अपने निशानात लगाएगी और तकरीबन एक से तादाद में वो डिस्ट्रैक्टर्स uh, बी सी और डी को मुंतखब करेंगे जबकि हमें जो रिजल्ट्स मिले उसके मुताबिक हमने ये देखा कि हाई स्कोरर्स ने वो परफॉर्मेंस दिखाई जो कि लोअ स्कोर से متوقع थी दिस इज़ अ वेरी वीक बैड आइटम विच नीड्स टू बी डिस्का

हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अमल का आगाज किया था कंटेंट को जांचने से हमने टेक्स बुक देखी या हमने डोमेन एरिया को देखा उसका जायज़ा लिया उसके बारे में पढ़ा स्पेसिफिकेशन टेबल्स बनाई और अपने आइटम्स को डेवलप किया एक्सपर्ट ओपिनियन ली उसके बाद हमने आइटम्स को आ, उनके फॉर्मेट के मुताबिक बनाया हमने ये तय किया कि हम कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहेंगे हम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं या सब्जेक्टिव टाइप आइटम फिक्स्ड ऑप्शंस चाहते हैं या ओपन एंडेड ऑप्शंस देना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हमने आइटम्स डेवलप किए ऑब्जेक्टिव्स को मद्दनजर रखते हुए उनको लिखा तरतीब दिया डिफिकल्टी लेवल बनाया और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमने सबसे पहली दफ़ा ट्राई आउट के लिए की उस हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली उसका हमने कोांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अनालस किया को बिना पर हमें मालूम हुआ कि इन आइटम्स का इन आइटम्स की ऑप्शंस का और डिस्ट्रैक्टर्स का और टेस्ट का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है इसके साथ साथ हमने ये मालूम किया कि ऑप्शंस का ऑप्शंस के ऊपर जो मेन आइटम्स है उनका और टेस्ट का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या है क्या आइटम्स आसान से डिफिकल्टी की तरफ जा रहे हैं या नहीं और क्या आइटम्स हाई स्कोर में और लोअ स्कोर में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या नहीं लेकिन आ, हम इसके बाद आगे कहाँ जाएंगे आपके पास इंडिविजुअल आइटम से बारे में मालूम आ गई आपने उनको एक जगह पे पूल कर लिया सो हाउ डू बी यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ डू बी इंटरप्रेट दैट उसके लिए हमें यह देखना चाहिए कि आइटम एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से तरतीब देते हैं कैसे अरेंज करते हैं कैसे रिपोर्ट करते हैं इंटरप्रेट कैसे करते हैं और उसकी बना पर हम क्या फैसले करते हैं और किस तरह से फैसले करते हैं जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन का आगाज करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट एरिया के हिसाब से सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन टेबल्स बनाते हैं हम आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दिखाएंगे जो कि एक्चुअली बनाए गए टेस्ट के आइटम अनालिस पर मबनी है सबसे पहले देखिए कि स्पेसिफिकेशन टेबल जब बनाई गई तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा गया स्पेसिफिकेशन टेबल में आपको दिखता है कि आप कंटेंट एरिया लेते हैं आप लेवल मंतख करते हैं कि किस क्लास के लिए या किस एज के लिए उसको बनाया जाएगा कौन सा आइटम नंबर जो है उसमें शामिल किया जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑब्जेक्टिव्स हम जानते हैं मुख्तु तरह के हो सकते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव ये हो सकते हैं कि आपने सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन करनी है आपने जो पढ़ा है उसको आपने सिर्फ दोहरा के पेश करना है और कुछ जगहों पे आप आ, जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी एप्लीकेशन जो है उसको मेजर करना चाहते हैं वैसे आप पहली एग्जांपल में देखिए ऑब्जेक्टिव्स इंटरप्रटेशन एंड एप्लीकेशन दूसरे आइटम में हम देखते हैं एक्सट्रपुलेशन एंड एप्लीकेशन यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम चाह रहे हैं कि इंटरप्रटेशन और एप्लीकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इस्तेमाल करें जबकि दूसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रापोलूशन और एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें जिसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिकेशन टेबल में हम हर कॉन्सेप्ट या कंटेंट एरिया के बारे में ये तय करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए हमें क्या ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करने चाहिए क्या यह कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसकी एप्लीकेशन भी मालूम होनी चाहिए क्या यह कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको सिर्फ याद कर लेना काफ़ी है या ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको हमें किसी और कॉन्सेप्ट के हवाले से भी कंपेयर करके उसके बारे में इल्म होना चाहिए तो सबसे पहले आपने स्पेसिफिकेशन टेबल बनाई आइटम तय किए आइटम नंबर तय किए और यह तय किया कि कौन सा आइटम नंबर किस टॉपिक को और किस ऑब्जेक्टिव को सर्व करेगा ओवरऑल आइटम एनालिसिस जब आप किसी टेस्ट का करते हैं तो उसके लिए आप एक ओवरऑल प्रजेंटेशन तैयार करते हैं गो के आप अपने तरीके से उसको मुख्तलिफ तरीके से भी पेश कर सकते हैं लेकिन एक रिवायती तरीका जो है उसमें एक पूरी ओवरऑल टेबल आप बनाएंगे मसल आइटम नंबर कीड चॉइस वैलेंस ए वैलेंस ऑफ आइटम बी वैलेंस ऑफ आइटम सी वैलेंस ऑफ आइटम डी नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, मोर देन वन रिस्पॉन्स फैसिलिटी इंडेक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स यानी आप टेस्ट के तमाम आइटम्स की एक लिस्ट बनाएंगे नंबर बार उनको तरतीब देंगे उसके बाद हर आइटम की जो ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी और उनमें से जो कीड ऑप्शन है उसको लहदा से मार्क करेंगे और हर ऑप्शन के आगे बताएंगे कि कितने फ़ीसद लोगों ने इसका जवाब मंतख किया या इसको अपने दुरुस्त जवाब के तौर पर मंतखब किया और उसके बाद आप बताएँगे कि आइटम का डिफिकल्टी लेवल क्या था या फैसिलिटी इंडेक्स क्या था और फिर ये कि उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर या डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या था तो एक टेबल में आपको पूरे टेस्ट की एक मुकम्मल तस्वीर मिल गई आप एक सरसरी नज़र में भी इस टेबल को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सा आइटम जो है वो एक वीक आइटम है और कौन सा आइटम है जो एक अच्छा आइटम है इसी तरह से आप रिस्पॉन्स ऑप्शन को अगर आप देखें तो आपको फौन अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर थी ज़्यादा कॉमनली सिलेक्ट हुई हैं और कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि किसी ने भी मंतख नहीं की अगर किसी ने भी उनको मंतख नहीं किया तो वो बेकार ऑप्शंस हैं उनको रिमूव करने की ज़रूरत है दूसरी جانب हमें आइटम्स की स्ट्रेंथ भी मालूम हो रही है विध रेफरेंस टू डिफ़िकल्टी एंड विद रेफरेंस टू डिसक्रमिनेशन जो आइटम्स दरमिया डिफिकल्टी के मालिक हैं वो अच्छे आइटम्स हैं टू डिफ़िकल्ट एंड टू ईजी आइटम्स आर नॉट डिज़ायरेबल और टू डिफ़िकल्ट और टू ईजी इससे मुराद हम इस वक्त यही ले रहे हैं कि वो आइटम्स जिनको कोई भी दुरुस्त जवाब ना दे पाए या रिस्पोंडेंस की बहुत ही थोड़ी तादाद दुरुस्त जवाब दे सकती हो और ऐसे आइटम्स जिनका जवाब हर किसी को मालूम हो ये आइटम्स जो हैं इनको शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी और इस टेबल को देखने के बाद शायद आप तय करेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है तो अगर आपने ओरिजिनली 60 आइटम्स का एक टेस्ट बनाया था और आप 45 45 आइटम्स जो हैं उनको रिटेन करना चाहते हैं तो आप आसानी से शायद फैसला कर लेंगे वो कौन से 15 आइटम्स हैं जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे और इनकी डिफिकल्टी लेवल भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो इस टेबल की मदद से आपको ये मालूम हो गया कि कौन से आइटम्स कौन सी ऑप्शनस और उनका क्या लेवल है उसके मुताबिक हम आइटम को चेंज करेंगे इंप्रूव करेंगे डिस्कार्ड करेंगे या रिटेन करेंगे रिपोर्टिंग आइटम डिफिकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन ओवरऑल टेबल में तो आपने पूरे के पूरे आइटम एनालिसिस को के नतज को बयान किया इसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि हम आइटम्स की डिफ़िकल्टी को और आइटम की डिस्क्रमिनेशन पावर जो है उनको विद रेफरेंस टू ईच अदर प्रेजेंट करते हैं तो आप एक टेबल में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट डेवलपर ने आइटम डिफिकल्टी को भी रिपोर्ट किया है और आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर को भी आपको एक साइड पे डिस्क्रिमिनेशन पावर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ आप उसकी फैसिलिटी लेवल को भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि कौन से आइटम जो हैं एक ख़ास परसेंटेज की डिफ़िकल्टी लेवल रखते हैं और उनकी डिस्क्रिमिनेशन की भी क्या परसेंटेज है क्वालिटी ऑफ आइटम्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने आइटम्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और इसके साथ साथ हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं हमने आइटम्स को जब एडमिनिस्टर किया ट्राई आउट किया उसके बाद हमारे पास ये मालूम भी आई कि आइटम्स की क्वालिटी क्या थी क्वालिटी ऑफ आइटम्स एंड आइटम्स आपने तमाम आइटम्स के बारे में उनकी डिफिकल्टी को और डिस्क्रमिनेशन इंडेक्स को लिया और उसके हवाले से फिर आपने देखा कि कौन से आइटम्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं मसलन वेरी हाई डिस्क्रिमिनेशन एंड हाई फैसिलिटी लेवल टेन परसेंट आइटम्स वेरी हाई डिस्क्रीमिनेशन एंड मीडियम फैसिलिटी लेवल टू पॉइंट फाइव परसेंट हाई डिस्क्रमिनेशन एंड वेरी हाई फैसिलिटी लेवल High discrimination and high facility level, high discrimination and medium facility level, high discrimination and low facility level, medium discrimination and very high facility, medium discrimination and high facility level, medium discrimination and medium facility level, low discrimination and very high facility level, low discrimination and high facility level. आपने ये देखा कि यहाँ पे जब हमने एक टेस्ट की डिस्क्रिमिनेशन और फैसिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया या उसकी डिफ़िकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन लेवल हमारे पास आ गया तो उसको रिपोर्ट करना एक सिंपल काम नहीं है यानी आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसकी इस आइटम की फैसिलिटी लेवल बहुत अच्छा है डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा है और इसकी डिस्क्रमिनेशन पावर भी बहुत अच्छी है हमें जायज़ा लेने के बाद मालूम होता है कि डिफिकल्टी लेवल सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता कम या ज़्यादा नहीं होता इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी सिर्फ कम या ज़्यादा नहीं होती डिफिकल्टी लेवल हाई हो सकता है लो हो सकता है मीडियम भी हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन पावर भी हाई भी हो सकती है मीडियम भी और लो भी जिसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन के भी आप तीन लेवल्स देख सकते हैं और आप देखते हैं कि डिफिकल्टी के भी तीन लेवल्स हैं तो इसका मतलब है कि बहुत से कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे हाई डिफिकल्टी हाई डिस्क्रिमिनेशन, हाई डिफिकल्टी मीडियम डिस्क्रिमिनेशन, हाई डिफिकल्टी एंड लो डिसक्रमिनेशन उसके बाद फिर हम डिस्क्रमिनेशन की तरफ चले जाते हैं हाई डिस्क्रमिनेशन एंड हाई डिफिकल्टी हाई डिस्क्रमिनेशन एंड मीडियम डिफिकल्टी हाई डिस्क्रमिनेशन एंड लो डिफ़िकल्टी इसका मतलब है कि हमारे पास और इससे भी ज़्यादा मुख्तफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जिसमें हम अपने आइटम्स को तकसीम कर सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़ जो हमारे जहन में उठती है वो ये है कि जब हमने क्वालिटी ऑफ आइटम्स के हिसाब से आइटम्स को काउंट कर लिया डिवाइड कर लिया कैटेगर कर लिया तब तो हम इनमें से कौन से आइटम्स हैं जिनको अपने टेस्ट में रखना चाहेंगे और कौन से आइटम्स हैं जिनको हम रिप्लेस करना चाहेंगे और ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको हम रिमूव करना चाहेंगे एक कॉमन सेंस की बात भी हो सकती है और थोड़ा सा आप अपना टेस्टिंग का इल्म भी इस्तेमाल कीजिए आपको समझ में आएगा कि हाँ आप वेरी हाई डिफिकल्टी और वेरी हाई डिस्क्रिमिनेशन को तो एक्सेप्टेबल समझ सकते हैं लेकिन वेरी लो डिस्क्रिमिनेशन एंड वेरी लो डिफिकल्टी को शायद आप एक्सेप्टेबल ना समझें क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें टू इजी आइटम्स नहीं चाहिए और ना ही हमें ऐसे आइटम्स चाहिए जो हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स में तमीज़ ना कर पाए सो इफ एन आइटम इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द हाइर स्कोर एंड द लोअर स्कोर एट द सेम टाइम द आइटम इज टू ईजी दैन दैट आइटम शुड नॉट बी रिटेनड इन द टेस्ट एटलीस्ट दैट आइटम कैन बी वन ऑफ द आइटम्स टू रिमूव इफ़ यू है अगर आपने साठ आइटम्स बनाए थे और फोर्टी फाइव रखने हैं तो आपके पास गुंजाइश है कि आप कुछ आइटम्स को रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के लिए ऐसे आइटम्स अच्छे हैं जो डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर रहे और बहुत आसान भी है दूसरी जानब हमारे लिए इसमें कोई मसला नहीं है कि आइटम डिफिकल्ट है और डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा है तो इसके आइटम को ये देखने की बस ज़रूरत है कि अगर वो डिफ़िकल्ट में आ रहा है और टू डिफ़िकल्ट में आ रहा है तो उसकी क्या वजह है लेकिन टू डिफ़िकल्ट से मुराद ये नहीं होनी चाहिए कि उसको कोई भी दुरुस्त ना कर पाए ऐसे आइटम्स डेफिनेटली हमारे टेस्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह से हम ये देखते हैं कि आइटम अनालिस के रिजल्ट को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो कुछ और चीज़ें मसलन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू देअर फैसिलिटी लेवल आपने जब टेस्ट बनाया था तो आपने उसको एक सर्टेन डिफिकल्टी या फैसिलिटी लेवल के हिसाब से तरतीब दिया था जब आप उसको तरतीब दे रहे थे तो आप उसको डिफिकल्टी लेवल कहते हैं यानी आइटम्स को हमने आइटम नंबर वन वाज़ द ईजीएसट एंड द लास्ट आइटम फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 60 वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट आइटम उसके बाद आपने ट्राई आउट किया और आपने उनका डिफिकल्टी लेवल है उसको मेजर किया अब आपके पास डिफिकल्टी लेवल की या यूं कह लीजिए कि फैसिलिटी लेवल की इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके पास डिफिकल्टी इंडेक्स या फैसिलिटी इंडेक्स मौजूद है अपने सैम्पल पे जब आपने टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की ट्राई आउट के दौरान तो आपने जो फैसिलिटी इंडेक्स या डिफिकल्टी लेवल हासिल किया उसके हिसाब से अपने आइटम्स की आपने एक नई तरतीब बनाई जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं हो सकता है कि आपकी औरिजिनल ترتیب में और नई ترتیب में बहुत ज्यादा फर्क ना हो लेकिन ये बहुत कम शाजो नादिर होता है कि जो आपने तरतीब बनाई थी ट्राई आउट के बाद और आइटम एनालिसिस के बाद हूँ बहूब वही तरतीब आपके पास रहे मिसाल के तौर पे जो अभी हम आपको टेस्ट के रिजल्ट्स दिखा रहे हैं इसमें आप देखिए कि फैसिलिटी लेवल के हिसाब से आइटम की तरतीब कैसे बदल गई सी आइटम नंबर टेन वॉज द आइटम विद मैक्सिमम फैसिलिटी लेवल फॉलोड बाय ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फिफ्टी फाइव फोटी नाइन और सो ऑन एंड सो फोर्थ और सबसे आखिर में आप देखते हैं कि आप फिर आपके पास आइटम नंबर नाइन आता है और आइटम नंबर ट्वेंटी वन जो है उसका फैसिलिटी लेवल सबसे कम है जिसका मतलब है कि जब आपने ओरिजिनल टेस्ट बनाया था और उसको तरतीब दिया था तो आइटम नंबर टेन तो आइटम नंबर टेन पे ही था और आइटम नंबर ट्वेंटी वन जो है वो ट्वेंटी वन नंबर पे था लेकिन जब आपने उसकी नई फैसिलिटी या डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से तरतीब बनाई तो आपको मालूम हुआ कि आइटम नंबर टेन को एक्चुअली आइटम नंबर वन होना चाहिए और आइटम नंबर वन जिसको आपने रखा था वो शायद किसी दसवें या ग्यारहवें नंबर पर आता है जिसका मतलब यह हुआ कि आइटम एनालिसिस जिसका मकसद डिफ़िकल्टी लेवल को देखना था उससे हमें यह मालूम हुआ कि शुरू में हमने अपने इल्म को और टेक्स्ट बुक में से जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल की थी टेस्ट बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हुए डिफिकल्टी लेवल का जो तयन किया था वो दुरुस्त नहीं था एक्चुअल डिफ़िकल्टी लेवल वो है जो कि हमें अपने सैम्पल के ऊपर टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के बाद हासिल हुआ चॉइस इज़ वेलेंस बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमने रिस्पॉन्स ऑप्शन दी थी हर ऑप्शन को कितने फ़ीसद लोगों ने मंतख किया हम पहले कह चुके हैं कि अच्छे ऑप्शंस या अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स वो हैं जो कि हाई स्कोरर्स में और लो स्कोरर्स में तमीज़ करते हो और इसके साथ साथ उनका एक डिफ़िकल्टी लेवल भी मौजूद हो जब आपने तमाम ऑप्शंस के बारे में बैलेंस की इन्फॉर्मेशन ले ली और आपने देख लिया कि कितने परसेंट लोगों ने हर एक ऑप्शन को अलहदा आहदा हर एक आइटम के लिए मंतख किया तो आपके पास एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में आ जाएगी आइटम नंबर एंड चॉइसेस विध जीरो बैलेंस यू कैन सी दैट आइटम सिक्स हैड डी टेन हैड ए बी डी एटीन हैट एंड सोन एंड सो फोर्थ हर आइटम के आगे वो कौन कौन सी ऑप्शंस थी जिनकी जीरो बैलेंस थी यानी जिनको किसी एक शख्स ने भी मुंतखब नहीं किया था इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तमाम आइटम्स के तमाम ऑप्शंस के बारे में इकट्ठी करते हैं लेकिन इस टेबल में भी हम सिर्फ उन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं जिनको किसी ने भी मुंतखब नहीं किया जिसका मतलब है कि ये वीक डिस्ट्रैक्टर्स थे ये ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स थे जो किसी को भी नहीं लगा कि ये दुरुस्त जवाब हो सकते और जबकि हम जानते हैं कि अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स वो हैं विच सीम टू बी प्लाजिबल आंसर्स विच सीम टू बी द बेस्ट आंसर एंड विच अपेयर टू बी द करेक्ट आंसर तभी तो लोग उसको सही जवाब समझते हुए उसको मुंतखब करेंगे या उसको इंसर्कल करेंगे लेकिन अगर कुछ रिस्पॉन्स ऑप्शन ऐसी हैं कि जिनको किसी ने भी मुंतखब नहीं किया तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही वीक ऑप्शन थी और किसी को भी उनको देख के ये नहीं लगा कि ये दुरुस्त जवाब हो सकते हैं जिसका मतलब है कि इनको रिमूव करने की जरूरत होगी या इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ आइटम्स में ऑप्शंस ए बी सी इनको किसी ने भी मंतख नहीं किया अगर चार ऑप्शंस में से तीन को किसी ने भी मुंतखब नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो आइटम और उसके ऑप्शंस दोनों ही फॉल्टी हैं क्योंकि अगर आपने चार रिस्पॉन्स ऑप्शंस दी थी उनमें से तीन को कोई भी मंतख नहीं कर रहा और चौथी जो है वो है ही दुरुस्त ऑप्शन तो इसका मतलब है कि वो आइटम जो है शायद वह टू ईजियन आइटम था इस वजह से भी उसको हटा देने की ज़रूरत है और इस वजह से भी कि उसकी जो भी डिस्ट्रैक्टर्स थे वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए इसी हवाले से एक और चीज़ वो ये द स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रमिनेशन इंडक्स अपनी अपनी जगह पर दोनों अहम किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं लेकिन दोनों अलग अलग उतने मानी खेज़ नहीं हैं जितने कि जब इनको इकट्ठा कर दिया जाए जब हम इस इंफॉर्मेशन को कम्बाइन करके देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि किसी भी आइटम की स्ट्रेंथ क्या है और ओवरऑल टेस्ट में टेस्ट का स्कैटर किस किस्म का बन रहा है अगर आप इस टेबल को देखिए जिसमें यह दिखाया गया है कि टेस्ट आइटम्स की स्ट्रेंथ क्या है विद रेफरेंस टू डिस्क्रिमिनेशन लेवल एंड डिफिकल्टी लेवल और फैसिलिटी लेवल यू कैन सी दैट हॉरिजोंटल एक्सेस पे वी हैव फैसिलिटी लेवल एंड वर्टिकल एक्सेस डिस्क्रमिनेशन पावर यानी अगर हम देखें एक टेबल तो फैसिलिटी लेवल्स दिए गए हैं और जबकि लेफ़्ट पहले कॉलम में हमने डिस्क्रमिनेशन इंडक्स दिया गया है और हर पॉइंट में हम ये देखते हैं कि एक सर्टन डिफिकल्टी लेल वाले आइटम और एक सर्टन डिस्क्रमिनेशन वाले आइटम में कौन कौन से आइटम्स शामिल हैं दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इस टेबल में हमारे पास ये मालूम मौजूद हैं कि वो कौन से आइटम्स हैं जिनकी मिसाल के तौर पे डिफिकल्टी लेवल जो है वो 10 है और डिस्क्रिमिनेशन लेवल भी 10 है या डिस्क्रिमिनेशन लेवल तो 10 है लेकिन डिफिकल्टी लेवल 90 है सो यू कैन सी दैट विद जीरो डिस्क्रमिनेशन पावर एंड ज़ीरो और एनी अदर फिलिटी लेवल वी डू नॉट हैी आइटम्स

और उसके सामने हम देखें कि मुख्तफ फैसिलिटी लेवल्स के नीचे स्कैटर्स में आइटम्स मौजूद हैं, यानी इस लेवल की अगर डिस्क्रिमिनेशन पावर है तो बहुत से आइटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिफ़िकल्टी रखने वाले हमारे पास मौजूद हैं इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन लेवल पे आप और नीचे ज़्यादा हायर एंड पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस एंड पे टेस्ट ज़्यादा मौजूद है अब यहाँ से हमने ये देखना है कि कौन से आइटम ज़्यादा स्ट्रांग है बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि नीचे की दो तीन बल्कि चार रोज में जो आइटम्स हैं वो स्ट्रोंग आइटम्स हैं लोअर एंड पे आप देखिए और राइट एंड के ऊपर आप चले जाएं तो आपको मालूम होगा कि आइटम्स जो है ये ज़्यादा स्ट्रांग है जबकि टॉप की रोज़ में आपको बिल्कुल दो शुरू की रोज़ जो है उनमें तो कोई आइटम्स भी नहीं आ रहे जो कि अगर आते हैं तो इसका मतलब होता कि टू ईजी आइटम्स हैं या ऐसे आइटम्स हैं जो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे उस तरह आइटम्स यहाँ पे नहीं हैं लेकिन हम देखते हैं कि मिडिल फैसिलिटी लेवल और मिडिल डिस्क्रिमिनेशन वाले आइटम्स तो काफ़ी हैं लेकिन हमारे पास ज़्यादा आइटम्स वो हैं जो कि हाई डिस्क्रिमिनेशन वाले हैं और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी लेवल भी उनका जो है वो हायर एंड पे लेकिन इसके साथ हमें यह भी दिखाई देता है कि हमें मीडियम डिफिकल्टी लेवल वाले भी आइटम इसमें नज़र आ रहे हैं यानी आइटम्स इस टेबल को देखने के बाद मालूम हो रहा है कि जिस टेस्ट यानी स्कैट की आइटम एनालिसिस के रिजल्ट्स इस टेबल में दिए गए हैं उस टेस्ट में ज्यादातर आइटम्स अपर और लोअर ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और ये आइटम्स जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो वेरी कर रहा है आप देखिए कि डिफिकल्टी लेवल ज़ीरो और वन टू तो ट्वेंटी इसमें आपको बहुत कम आइटम्स इन कोई आइटम्स दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब है कि इस टेबल के अंदर जिन आइटम्स का जिक्र है उनमें टू इजी आइटम्स कोई नहीं है इससे पहले हम पिछली टेबल में ये देख चुके हैं कि कुछ आइटम ऑप्शंस ऐसी थी जिनकी रिस्पांस बैलेंस ज़ीरो थी जिसका मतलब ये कि आइटम्स प्रेजेंट टेबल को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि स्ट्रॉन्ग आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं और टू ईजी आइटम्स कोई नहीं है लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि कुछ आइटम ऑप्शन ज़रूर ऐसी हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए जिसका मतलब यह हुआ कि आइटम्स जो हैं उनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे आइटम्स हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा है डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत अच्छी है हाँ अलबत्त ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन से हमें यह मालूम हुआ कि उनके कुछ रिस्पॉन्स ऑप्शंस जो हैं या डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स नहीं थे तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि जो आइटम्स टेबल की टॉप पे आ रहे हैं जिनके डिस्क्रिमिनेशन लेवल बहुत कम है और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो या लो है या मीडियम डिफिकल्टी लेवल है उन आइटम्स को हम इस टेस्ट में से रिमूव कर सकते हैं प्लस अब हमें यह देखना है कि जिन आइटम्स की रिस्पॉन्स बैलेंस या उनके इंडिविजुअल डिस्ट्रैक्टर्स जो थे उनको जो बहुत कम परसेंटेज ने मंतख किया था उसकी क्या वजह है इसके लिए हम एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं यू गो थ्रू ईच एंड एवरी आइटम एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड डिस्ट्रैक्टर वंस अगेन इन फैक्ट अगेन एंड अगेन आप उनको बार बार पढ़ें देखें आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो तो यही है कि रिस्पॉन्स बैलेंस क्या थी अगर बहुत कम परसेंटेज ने उनको मुंतखब किया तो इसका मतलब है कि हो सकता है उनकी वर्डिंग में कोई प्रॉब्लम था हो सकता है वो आ, देखने में ही इेलीवेंट ऑप्शन लग रही हों जिसका मतलब है कि उनको रेलिवेंट बनाने की ज़रूरत है और अगर उनकी वर्डिंग में शायद मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अल्फाज को तब्दील करके देखा जा सकता है रिफ्रेस किया जा सकता है हो सकता है आप खुद ही उसको जब दोबारा पढ़ें तो आपको उसमें कोई गलती नज़र आ जाए तो अगर हम इस स्ट्रेंथ वाली टेबल को और वैलेंस वाली टेबल को ले और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके देखें तो हमें ये मालूम होगा कि वो कौन से आइटम्स हैं जिनको डेफिनेटली इस टेस्ट में रखना चाहिए एक बात और वो कौन से आइटम्स हैं जो कि वीक आइटम्स हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है और फिर अगर हम रिस्पॉन्स वैलेंस की इन्फॉर्मेशन को लें तो फिर हमें यह मालूम होगा ये वो कौन सी रिस्पॉन्स ऑप्शन हैं जिनकी वजह से शायद आइटम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इस टेबल को देखते हुए शायद आप ख़ुद भी ये समझेंगे कि आपको शुरू में मसलन आइटम टू और फाइव जैसे दिखाई दे रहे हैं आप उनको शायद रिमूव करना चाहें जबकि आप लोअर एंड पे आएं तो आप देखते हैं कि बहुत से आइटम्स हैं सिक्स सेवन एट नाइन फोर थर्टीन बेशुमार आइटम्स हैं जिनको आप डेफिनेटली रिटेन करना चाहेंगे ये वो आइटम्स हैं जो कि आपको एक क्लस्टर की सूरत में इकट्ठे ग्रुप्स में नजर आ रहे हैं यानी डिस्क्रिमिनेशन का जो लेवल है 41 वन टू सिक्सटी सिक्सटी वन टू 80 एंड 81 वन टू हंड्रेड ज़्यादातर आइटम्स जो है इस डिस्क्रिमिनेशन लेवल पे आ रहे हैं और अगर आप फैसिलिटी लेवल को देखें यानी डिफ़िकल्टी लेवल को तो आपको ये मालूम होगा कि 21 वन टू फोर्टी फोर्टी वन टू सिक्सटी सिक्सटी वन टू एट्टी और 81 वन टू हंड्रेड में ज़्यादा आइटम्स आ रहे हैं तो जो आइटम्स इसके अलावा हैं यानि लोअर डिस्क्रिमिनेशन लेवल पे और लोअर डिफिकल्टी लेवल पे वो ऐसे आइटम्स होंगे जिनको आप शायद रिमूव करना चाहें ये सारा आपको बताने का मकसद ये था कि आप एक जायज़ा ले सकें और आप देख सकें कि टेस्ट डिवेलपर जब टेस्ट बनाते हैं और आइटम एनालिसिस करते हैं तो हासिल करता है मालूम को किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं हाउ डू वी अरेंज द इन्फॉर्मेशन हाउ डू वी प्रजेंट द इन्फॉर्मेशन हाउ डू वी इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन ऑबटेन्टम एनालिसिस इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अब आप अपने टेस्ट में से गैर ज़रूरी आइटम्स को निकाल सकते हैं अच्छे आइटम्स को रिटेन कर सकते हैं और अब आप इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं स्टैंडशन के लिए या नॉम डेवलपमेंट के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल करें आइटम एनालिसिस के हवाले से कुछ और बातें भी हम डिस्कस करेंगे मसल आइटम कर्व, करेक्टरिस्टिक कर, आइटम रिस्पांस थ्योरी और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आइटम एनालिसिस को जो आइटम एनालिसिस को मुतासर कर सकती हैं ये सब कुछ आइंदा सेशन में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़